हेलो फ्रेंड्स, हेलो यूट्यूब, मैं हूँ फराह खान। आज हम बनाएंगे केक। चलिए आइए मैं बताती हूँ आपको कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और बहुत इजी और बहुत सिंपल हैं जो कि हम घर पर बनाएंगे। देखिए, उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए शुगर, अंडे, मलाई जो हमने इकट्ठी कर रखी है घर में 3-4 दिन से, वो पिसी हुई शुगर, मैदा, एप्पल बारीक कटा हुआ, ये देखिए हनी, और ये वैनिला हमने लिया है, ये बेकिंग पाउडर लिया है हमने बाजार से, ये कॉफ़ी का पैकेट लिया है हमने, ये देखिए जो हमने मलाई 2-3 दिन से जो इकट्ठा करके फ्रिज में रखी थी, ये मेरे पास बिल्कुल फ्रेश मलाई है आज की। आपके पास इतनी एक साथ ना हो सके तो 2-3 दिन की इकट्ठा करिए। ये देखिए हमने मलाई, और मैं रोज़ दूध में इलायची डालती हूँ, बगैर फ्लेवर वाला दूध हमें पसंद नहीं, इस वजह से हम इसमें ब्लैक ब्लैक इलायची है। ये देखिए हम उसके अंदर अब शुगर मिलाएंगे, चम्मच से उसको अच्छे से मिला लेंगे। ये इसके अंदर हमने मैदा भी डाल दिया है, देखिए यह हमारा मैदा भी हो चुका है। ये अब हम इसके अंदर पूरी हुई पिसी हुई शक्कर मिक्स कर देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा चुटकी सॉल्ट, ताकि हमारा मीठा अच्छा और टेस्टी बनता है। और ये हमने मिल्क पाउडर लिया था नेस्ले का, ये इसके अंदर हमने डाल दिया है। और ये हमने लिए हैं 4 अंडे, ये 4 अंडे हमने पहले से फोड़ कर और उसके अंदर निकाल लिए थे। देखिए किस अंदाज से हमें लेना है, अगर हम एक कटोरी मैदा ले रहे हैं तो उसी के बराबर शक्कर लेंगे, और 4 अंडे और एक कटोरी घी जो अपनों ने मलाई इकट्ठा की थी वो। ये देखिए हम बेकिंग सोडा डाल रहे हैं अब इसके अंदर 1 चम्मच, और ये थोड़ा सा और लिया है हमने, मतलब 3/4 स्पून जितना लेना है बेकिंग पाउडर। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये मीठा सोडा 1 चम्मच। हम दोनों यूज़ कर रहे हैं, बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा। ये देखिए अब हमने इसके अंदर कॉफ़ी डाला है फ्लेवर के लिए, ताकि इसका जो मतलब बेस है वो थोड़ा सा कलर्ड हो। और हम इसके अंदर 1 चम्मच हनी भी मिलाएंगे, ताकि इसमें थोड़ा सा मीठापन, हनी का जो स्वाद होता है हल्का सा हुआ है, और ये सॉफ्ट और स्पंजी बने। अब ये देखिए जो हमने एप्पल्स काट के रखे थे बारीक बारीक, दूध के साथ पीस के रखे थे ताकि वो काले ना पड़े, ये देखिए अब हमने एप्पल जूस भी इसके अंदर मिला लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए आपके पास अगर ब्लेंडर हो तो आप उससे भी मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो ये बेस्ट और नेचुरल तरीका है हमारे हाथ, वो हमारे काफ़ी यूज़ आते हैं, हर चीज़ में हम उसे यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हमने इसको हाथ से मिलाया है, क्योंकि हाथ से मिलाने में इसमें फ्रिक्वेंसी अच्छी होती है, एयर भी अच्छे से मिक्स हो जाती है और गुठलियाँ वगैरह भी नहीं रहती है। ये देखिए हमने सब चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है, एक भी गुठली नहीं रहना चाहिए उसके अंदर, और आराम अच्छे से एयर मिक्स होना चाहिए उसके अंदर, ताकि वो स्पंजी और सॉफ्ट जो केक रहे वो स्पंजी और सॉफ्ट बने। ये देखिए अब हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अभी थोड़ा सा पल्पी नहीं लग रहा है, देखिए अभी हमारा बिल्कुल एक जैसा हो चुका है, बिल्कुल एक भी गठन नहीं दिख रही है। अब इसके अंदर हम वैनिला एसेंस डालेंगे। पेस्ट था वो भी सब एक जैसा हो चुका है पल्पी, और ये हमारे पास हमने घर के ओवन में बनाया है। ये देखिए हमारा जो कंटेनर है, हमने उसको थोड़ा सा पहले से ही ऑलरेडी हीट कर लिया है, ताकि वो अंदर का बर्तन जो है वो गर्म हो जाए। केक का आपके पास जो भी कंटेनर हो किसी भी शेप का, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये हम इसके चारों तरफ घी लगाएंगे सबसे पहले, या बटर आपके पास जो अवेलेबल हो। अब उसके ऊपर हम मैदा स्प्रिंकल कर देंगे, और सबसे बेस्ट तरीका होता है टिश्यू पेपर का, पर वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने उसके ऊपर बटर और मैदे की कोटिंग कर दी है। आप अगर बटर पेपर आपके पास अवेलेबल हो तो वो ज़रूर लगाएं, और उसके ऊपर घी और मैदा पहले से स्प्रिंकल कर दें, फिर कंटेनर के अंदर डालें। अभी देखें हमने जो हमारा पेस्ट था केक का, वो पूरा अब हम इसके अंदर डालेंगे, कंटेनर के अंदर पूरा साफ़ कर देंगे हमारा जो बाउल था उसको। अब हम ये जो ऊपर नीचे हो रहा है, देखिए कहीं कहीं डला है, कहीं बराबर नहीं है, तो हम उसको थोड़ा सा ठोकेंगे ज़मीन के ऊपर, ताकि वो हमारा जो केक है कंटेनर में वो एक जैसा पेस्ट पूरा बराबर लेवल में आ जाए। उसको हम पूरा बराबर लेवल में कर लेंगे,
देखिए जिस तरह से हम कर रहे हैं, फिर अब हम उसको ओवन के अंदर रखेंगे बिल्कुल सेंटर में। पहले थोड़ा सा तेज़ आँच रखेंगे, मीडियम आँच कह सकते हैं अपन उसको, कम से कम 10 से 15 मिनट हम मीडियम आँच पे रखेंगे, फिर उसको थोड़ा स्लो कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल बीचों बीच में रख के हमने उसके ऊपर ढक्कन ढक दिया है ओवन के ऊपर। अब हम इसको कम से कम 10 मिनट तक पकाएंगे, फिर स्लो कर देंगे आँच। ये देखिए हमने बीच में चेक किया है 30 मिनट बाद एटलीस्ट, तब थोड़ा वो चाकू में चिपक रहा था इसलिए हमने 10 मिनट और पकाया है, तो हमारे केक को 40 मिनट लगे हैं कम से कम पकने में। अब ये देखिए हमारे छुरी में बिल्कुल नहीं लगा है, इसका मतलब ये कि हमारा केक तैयार है। इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे साइड में रख के, ताकि बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और एकदम ठंडा भी नहीं होना चाहिए, बस 2-3 मिनट बाहर साइड में रख कर, ताकि थोड़ा सा केक अपना कॉर्नर्स छोड़ दे। ये देखिए हमने चारों तरफ से छुरी घुमाई है केक के आसपास, ताकि हमारा केक बिल्कुल एक जैसा शेप निकले। और अगर आपके पास टिश्यू पेपर है तो उससे ही निकालना बहुत इजी हो जाता है, उसमें इतना ज़्यादा वो नहीं रहता है। ये देखिए आराम से हमारा पूरा केक के चारों कॉर्नर छोड़ चुका है हमारा कंटेनर। अब ये देखिए हमने ये बड़ी दूध की छलनी बोल सकते हैं हम इसको, ये जाली जाली वाली प्लेट बोल सकते हैं, उसके अंदर हमने केक इजीली कंटेनर से पलट के निकाला है। ये देखिए, और ये जाली जाली वाले कंटेनर में इसलिए रखते हैं ताकि ये ऊपर नीचे दोनों तरफ से उसमें हवा लगे और वो ठंडा हो, क्योंकि अगर वो प्लेट में रखेंगे तो नीचे से पसीस जाएगा, क्योंकि इतना गर्म होता है, 30-40 मिनट तक पकता है, तो इस वजह से। अब ये देखिए हमारा केक निकल चुका है, देखिए कितना अच्छा बना है, बिल्कुल पूरा शेप वही के वही आया है, बस ये हमने थोड़ा सा साइड से निकाला था कट कर, तो उसकी वजह से हो गया। अब हम इसका पूरा जो चूरा है वो सब साफ़ कर देंगे, और ये देखिए कितना स्पंजी है हमारा। अब हम इसके ऊपर आइसिंग शुगर जो करते हैं वो करेंगे। देखिए हमारे पास ये शुगर है, आइसिंग शुगर, इसके अंदर हमने मिलाया है वेनिला एसेंस थोड़ा सा, 2 चम्मच हमने आइसिंग शुगर ली थी, और ये 1 चम्मच हमारा हनी है, स्मॉल टी स्पून बोल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसके अंदर हम पानी डालेंगे कम से कम 3 चम्मच, और ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए पानी, शहद और शक्कर और वेनिला एसेंस, 4 चीज़ें हम मिलाएंगे ताकि हमारे केक के ऊपर अच्छे से ब्रशिंग हो सके। ये देखिए मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं है ब्रश, इस वजह से मैंने चम्मच से किया है। आपके पास अगर ब्रश अवेलेबल हो तो आप ब्रश से लगाइएगा। ये देखिए हमने पूरा आइसिंग शुगर उसके ऊपर फैलाया है, ताकि इससे जो स्वीटनेस है केक के ऊपर की शुरू में ही जैसे ही मुँह में जाए वो टेस्ट हो, मीठापन आए। देखिए ये सब ये गरम गरम में ही हम ऐसे लगा देंगे, उसको बहुत ठंडा नहीं होने देंगे जब हम निकालते हैं ऐसे ही, ताकि ये अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं, अब हम इसको पहले एक तरफ से करेंगे, फिर पलट कर दूसरी तरफ से, फिर इसी तरह से पान आइसिंग शुगर से लगाएंगे, इसे नरम और स्पंजी और सॉफ्टनेस, और हमारा केक भी ठंडा हो जाएगा और ये हमारे पूरे केक में उतर जाएगा गरम गरम में लगाएंगे तो, और ये स्वीटनेस भी और स्वीटनेस आ जाती है इससे, स्पंजी और सॉफ्ट भी रहता है ये। अब ये देखिए हमारे लगभग चारों कॉर्नर में लग चुका है ये, अब हम इसको पलट कर ऐसा कैसा सेम टू सेम वो करेंगे। और ये देखिए मैंने ये डार्क चॉकलेट को भी है ना डबल बॉयलर में रखकर इसको घोल ली थी, नीचे पानी का बाउल रखा था, मतलब नीचे कोई तपेली में पानी रखेंगे और फिर उसके ऊपर अलग से बाउल रख के और फिर उसके अंदर डार्क चॉकलेट को पिघलाएंगे। ये देखिए हमने आइसिंग शुगर सब दूर लगा दी है, अब हम ऊपर की तरफ भी लगा देंगे ऐसे ही जैसे हमने नीचे की तरफ सब दूर लगाई थी, कोटिंग किया था उसके। अब ये देखिए हम चम्मच से कर रहे हैं, पीछे के हिस्से से आसानी से और बहुत अच्छा होता है, वैसे सबसे बेस्ट तरीका है ब्रश से करने का। ये देखिए हमने जो डार्क चॉकलेट पिघाल की रखी थी उसको मेल्ट किया था, अब हम उसे डेकोरेट कर रहे हैं, हम उसकी कोटिंग करेंगे चारों तरफ। ये भी ब्रश से बहुत अच्छा लगता है बट मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है इसलिए हम चम्मच से लगा रहे हैं, नीचे की सतह से फैलाएंगे। और अगर आपके पास बटर का स्पून हो तो उससे भी लगा सकते हैं। ये देखिए हम इसको केक को डेकोरेट कर रहे हैं, हमने ड्राई फ्रूट कलर्ड चॉकलेट से डेकोरेट किया है इसको, आप चाहें तो जो आपके पास अवेलेबल हो आप उससे डेकोरेट कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें केक डेकोरेशन की बाहर बेकरीज वगैरह पर मिल जाती हैं, आप चाहें तो उससे भी डेकोरेट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे तो जो भी हम नया वीडियो डालते हैं उसकी सूचना या इन्फॉर्मेशन आपको बहुत जल्द और सबसे पहले मिलेगी। तो आप हमारा ये वीडियो लाइक कीजिए और सब अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एंड गुड बाय। Thank you.